हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल ब्रेकिंग डायरीज में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए है जो कि अकाउंटेंट के प्रोफाइल पर जाना चाहते हैं, अकाउंटेंट प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी के लिए जो हम देखते हैं कि जैसे कि हम जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हमने, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने आप सबके लिए जो है वीडियोज बनाए हुए हैं जो कि एचआर क्वेश्चन से रिलेटेड है और हर एक क्वेश्चन के एक ही वीडियोस बने हैं। अभी और भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं और सो आप लोग सारे वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको अपने इंटरव्यूज के हर एक क्वेश्चन के बारे में इंटरव्यू में जाने से पहले ही पता चल जाए और वहां से आपको एग्जैक्ट क्या आंसर देना है ये पता चल जाए, ठीक है। लेकिन आज का भी वीडियो जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे अकाउंटेंट प्रोफाइल के लिए बात करेंगे कि जो भी व्यूअर्स हमारे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उनको इंटरव्यू में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, मतलब किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। मैंने एक कॉमन क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूं मैं, जो कि कुछ क्वेश्चन मैंने अपलोड कर भी दिए हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ आपकी प्रोफाइल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना है कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि कहां पे क्या पॉइंट छूट जाएगा और वहां पे हो सकता है वही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ऐसे क्वेश्चन है जो किसी अकाउंटेंट को, वो भले ही परसेंटेज वाइज बहुत ही अच्छा उसने पढ़ाई में अच्छा किया है, उसने अच्छी नॉलेज ले रखी है, लेकिन फिर भी उसका रिजेक्शन होता है, तो उसके पीछे कुछ बेसिक रीजन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला कि हमें ये नहीं पता है कि हमें अकाउंटेंट के प्रोफाइल के लिए जो फॉर्मेट होता है, इंटरव्यू का फॉर्मेट होता कैसे है। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या इंटरव्यू का फॉर्मेट होता है। जो कॉमन क्वेश्चंस की सीरीज है वो आप देख लीजिएगा इंटरव्यू, मैं कॉमन क्वेश्चंस की जो इंटरव्यू के मैं वीडियो बनाया हूं उसके डिस्क्रिप्शन भी मैं डाल दूंगा उसके लिंक। यहां पे मैं बात करता हूं एक अकाउंटेंट के प्रोफाइल के लिए, अगर आप जाएंगे तो अलग से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन यही होगा कि आपसे वो कोई ना कोई ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देंगे, आपको आपके इंटरव्यूअर आपको कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देंगे अकाउंट से रिलेटेड जो कि आपको सिस्टम के थ्रू सॉल्व करना होगा। सिस्टम में मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जो एज एन अकाउंटेंट आपको वहां पे सॉल्व करना होगा और उसके लिए एक लिमिट टाइम भी होता है, ध्यान ये रखिएगा। टाइम देते समय हो सकता है वो डायरेक्ट आपसे कह दे कि आपको ये 5 मिनट में सॉल्व करना है, आपको ये 10 मिनट में सॉल्व करना है, या हो सकता है वो ये भी कह सकते हैं कि मैं चाय पीकर आता हूं तब तक आप ये सॉल्व कीजिए। तो मैं चाय पीकर आता हूं इसका मतलब क्या है, बहुत अधिक होगा टाइम लगेगा तो 5 मिनट या 10 मिनट, मैं कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो आपको टाइम लिमिट दे देंगे, उसी टाइम लिमिट में आपको ये कंप्लीट करना होगा। अगर उनके आने से पहले या उनके गिवन टाइम में आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, अदरवाइज वहीं पे आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो हमेशा तैयार रहिएगा, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, वो शॉर्टकट कीज हो सकते हैं, वो पेज ब्रेक करना का हो सकता है, वो मतलब मेल मर्ज से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टैक्सेस से रिलेटेड जो भी चीज आप पढ़े हो, जीएसटी एसएपी जो भी चीज आप पढ़ते हो, तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको अपनी जो आप रिज्यूमे या सीवी आप लेकर गए हैं उसी को ही आपको हैंड रिटन लिखने के लिए बोल सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आपको अपनी सीवी या रिज्यूमे वो हैंड रिटन लिखने को बोल सकते हैं। अब आप में से जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं सीवी भी बोल रहा हूँ रिज्यूमे भी बोल रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिज्यूमे सीवी और बायोडेटा इनमें क्या डिफरेंस है, मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है उसका लिंक भी मैं यहाँ दे दूंगा, उसको जरूर जान लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको अपनी सीवी और रिज्यूमे जो भी आप लेकर गए हैं उसको आपको हैंड रिटन लिखना होगा, वहां पे वो आपसे लिखवाते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि इसमें यहां पर इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट को छांट लिया जाता है, क्योंकि जो नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो कभी भी अपने सीवी या रिज्यूमे को पढ़ के नहीं जाता है, उसको बस कहीं से पता चलता है कि यहाँ पे आज एग्जाम मतलब इंटरव्यू है, वो बस गया किसी भी फ्रेंड का लिया या कैफे पे गया, भैया मेरा रिज्यूमे बना दो, बस एडिट करवा दिया, नाम पता सब एडिट करवा दिया, डेट ऑफ बर्थ एडिट करवा दिया, पापा का नाम एडिट करवा दिया, अपना नाम एडिट करवा दिया, बाकी एज इट इज वैसे ही रहने देता है।
तो ऐसे में क्या होता है कि हम ऐसे कैंडिडेट को हम क्या रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्शन के लिए ये चीज बहुत अच्छा टूल्स है कि हम कैंडिडेट को ही कहते हैं कि भाई आप अपना रिज्यूमे सीवी जो भी रहा हो उसको हैंडरिटन लिखो, तो हैंडरिटन वही लिख पाएगा जो अपने रिज्यूमे सीवी अच्छे से पढ़ा होगा। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा। तीसरे पे आते हैं जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका मेल एटिकेट चेक करते हैं, मेल एटिकेट चेक करते हैं या करस्पॉन्डेंस एटिकेट चेक करते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि वो कोई भी एक मैटर रख देंगे कि मिस्टर गुप्ता की तरफ से जो पैकेज भेजा गया है या जो प्रोडक्ट भेजा गया है, जो आइटम भेजा गया है उसमें इतने आइटम डैमेज है, इसके लिए उनको एक कंप्लेन लिखिए। तो अब आपको वहीं पर बैठे बैठे ही एक मेल फॉर्मेट करना होगा, वो अपना सिस्टम दे देंगे आपको सामने और आपको एक मेल लिखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, वो आपके मेल एटिकेट को चेक कर रहे हैं कि आपको मेल लिखना आता है कि नहीं आता है, तो मेल में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी चीजें वो देखते हैं। या हो सकता है आपको लेटर लिखने के भी कह सकते हैं, तो लेटर का फॉर्मेट आपको पता है कि नहीं पता है। क्लियर? तो ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस अकाउंटिंग फील्ड के लिए जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं इस तीन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अब मैं इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मैं फिर से बता देता हूं। इन तीनों क्वेश्चन के जस्ट इस वीडियो के तुरंत बाद में जो वीडियो अपलोड होगा वो यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर होगा। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ कि वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके एमएस ऑफिस से पूछ सकते हैं, वो आपके जो है टैली से पूछ सकते हैं या फिर जीएसटी से पूछ सकते हैं, कुछ भी होगा लेकिन प्रैक्टिकल हो सकता है, तो वो तो आपको खुद से मैनेज करना होगा। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यानी मेल एटिकेट्स, यानी मेल कैसे लिखते हैं या लेटर कैसे लिखते हैं, इसका वीडियो मैं तुरंत इस वीडियो के बाद ही बनाऊंगा, उसको स्किप मत कीजिएगा, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, मैं तुरंत इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भेजूंगा। तो दोस्तों आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आप अकाउंटेंट प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हैं तो इन तीन क्वेश्चन को भी जरूर देख लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।